साक्षी और विनेश ने ऑन कैमरा बोल रखा है कि उनके साथ कभी कोई घटना नहीं घटी और जो कमेटी गठित हुई है उसके उसमें जाकर के उन्होंने आरोप लगाया। तो ये इस्तीफा देने कहे तो दे देंगे तुरंत। सांसद जी, चीफ जस्टिस देखिए, जब कोई एफआईआर लिखाने जाता है तो अगर दो चार घंटे एफआईआर लेट हो जाए तो भी जो है अभियुक्त को फायदा मिलता है कि चार घंटे सोच समझ करके एफआईआर लिखाई गई है। यहाँ तो चार महीने से लगातार सोचा जा रहा है कौन सा आरोप लगाया जाए, कहाँ लगाया जाए, कब लगाया जाए। हमारे केस में तो चार महीना तैयारी की गई है, ऑडियो है कि कोई लड़की मिल जाए। हम एक ऐसे आदमी हैं कि जो दो घंटे की बात नहीं, चार महीना उनको मौका दिया गया कि कोई आ जाए। मैं उसे फेस कर रहा हूँ। साक्षी और विनेश ने ऑन कैमरा बोल रखा है कि उनके साथ कभी कोई घटना नहीं घटी और जबकि वो हैरेसमेंट कमेटी जो बनी थी उसमें जाकर जो कमेटी गठित हुई है उसमें जाकर के उन्होंने आरोप लगाया। तो ये क्या दिल्ली पुलिस ने संपर्क किया है अभी आपसे? अभी हमसे संपर्क नहीं किया है और जब भी संपर्क करेगी मैं बिल्कुल संपर्क में आऊंगा और जहां भी बुलाया जाएगा जाऊंगा। खिलाड़ी इस्तीफा देने की बात, सांसद जी खिलाड़ी कह रहे हैं कि आप सांसद के पद से इस्तीफा दे दीजिए, खिलाड़ी मांग कर रहे हैं। ये पद उन्होंने दिया है कि हमारी क्षेत्र की जनता ने दिया है तो पार्टी कहेगी तो इस्तीफा दे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस।